नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वत जैन डिजिटल। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी साहब। इस वक्त मैं मौजूद हूं एसटीएफ कार्यालय के बाहर, और एसटीएफ का जो कार्यालय है वो मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं। यूके SSSC वीडियो VPDO मामला जिस तरीके से सामने आ रहा है, उसमें अब तक 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक एसटीएफ की अच्छी मुहिम कहेंगे, जो शुरुआत एसटीएफ ने की है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से की है, कि अभी तक 17 लोग गिरफ्त में आ चुके हैं। और ऐसे में अब एक 18वां नाम भी सामने आ रहा है, जो कि उत्तरकाशी से बताया जा रहा है, अंकित रमोला। लेकिन फिलहाल जो अभी सारी सुइयां हैं वो हाकम सिंह रावत के ऊपर लगी हुई हैं, क्योंकि हाकम सिंह रावत जिला पंचायत सदस्य, जिसकी प्रॉपर्टी को लेकर भी काफ़ी बात हो रही है, करोड़ों की संपत्ति का हाकम सिंह रावत मालिक होता है, तो कहीं ना कहीं सोचना लाजमी है कि वो धांधली में अभी से नहीं बल्कि कई समय पहले से लगा हुआ है, और ऐसे कई बार उसने पेपर लीक मामलों में अपना हस्तक्षेप किया है। तो वहीं दूसरी ओर अब एसटीएफ का भी कहना है कि उन्हें ईडी के सहयोग की ज़रूरत है, और एसटीएफ ने अब ईडी का सहयोग मांगा है, जिसको लेकर अब लिखित कार्रवाई करने की भी बात की जा रही है, कि अब लिखित कार्रवाई और इनका जो भी इन्होंने बातें कही गई हैं, उन बयानों को दर्ज करते हुए जो 17 आरोपी पकड़े गए हैं वो ईडी को अब रिपोर्ट सौंपी जाएगी। वहीं बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार का कहना है कि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि CBI की जांच जरूरी हो, क्योंकि एसटीएफ उन मामलों में हाथ नहीं डाल सकती जहां पर बड़े सफेदपोश नेता शामिल हो। क्योंकि अब जब हाकम सिंह रावत का नाम आया है, तो ये सवाल उठते भी लाजमी हो चुका है कि हाकम का हाकिम कौन है, यानी हाकम के ऊपर किसका हाथ रहा है। क्योंकि एक जिला पंचायत सदस्य जिसकी संपत्ति करोड़ों में होती है, अलावा बताया जा रहा है कि भाजपा के साथ उसके अच्छे संबंध हैं, उसके अलावा भी कई बड़े नेताओं का सपोर्ट उसके साथ जब बोला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब ये बात राजनीति के तौर पर भी देखी जा रही है। तो इसीलिए बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार जी का भी कहना है कि अब CBI की जांच हर एक उत्तराखंड का युवा मांगता है। अगर ये बात पूरी नहीं होती, अगर CBI की जांच नहीं की जाती, तो धरने के लिए भी तैयार है। 1 लाख से ज़्यादा लोग मुख्यमंत्री आवास के बाहर कूच करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन अभी जिस तरीके से एसटीएफ काम कर रही है वो काबिले तारीफ है। 17 लोग फंस चुके हैं, छोटी मछलियां हाथ आ चुकी है, उसमें एक बड़ा नाम हाकम सिंह रावत, जिसका लंबे समय से इंतज़ार भी किया जा रहा था। कुछ समय पूर्व ये व्यक्ति बैंकॉक चला गया था, वहाँ से इस व्यक्ति को लेकर आया गया। तो इसे देखते हुए लग रहा है कि एसटीएफ काफ़ी अच्छी तरीके से कार्य कर रही है, और अब उन हाकिम को एक जिला पंचायत सदस्य, जिसको समूह गौ का एग्ज़ाम देते हैं जो सदस्य, उस तरीके का एक सदस्य है, वो इतना बड़ा खेल नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल पैदा होता है कि उसके ऊपर जो लोग हैं, क्या उनको एसटीएफ पकड़ पाएगा। इसलिए अब ईडी का भी सहयोग की बात एसटीएफ ने कर दी है, कि ईडी के सहयोग की उन्हें सख्त ज़रूरत है, और CBI जांच की तो बहुत पहले से मांग चल रही थी। वही इसका दूसरा पहलू अब आपको बता दें कि जो वीडियो VPDO मामला था, उसमें जो प्रश्न पत्र है वो 18 लाख से 20 लाख रुपए तक का बेचे गए हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो उत्तराखंड में ये बहुत बड़ी धांधली हुई है, इसके कनेक्शन और इसके तार बहुत लंबे जुड़े हैं। क्योंकि अब जैसे एक नाम और सामने आया, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि उत्तरकाशी से अंकित रमौला करके एक छात्र का नाम आया है, जिसने पेपर लीक मामले में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि इस व्यक्ति ने खुद पेपर खरीदे थे और हो सकता है इसने आगे भी पेपर बेचे हों। तो इस तरीके से एक लंबी कड़ी फिर जुड़ती हुई नज़र आ रही है, कई सारे लोग धर दबोचे गए हैं, और बहुत सारे लोगों का अभी सामने आना बाकी है। तो इसके बारे में आप एसटीएफ से जाके पूरी बातचीत करेंगे, आगे की अपडेट क्या है ये भी हम लोग आपको देंगे। लेकिन फिलहाल ये है कि एसटीएफ ने ईडी से सपोर्ट मांगा है, ईडी की तरफ हाथ बढ़ाया है, और ईडी का कहना है कि पूरी तरीके से लिखित रूप में उन्हें सबके बारे में बताइए कि किसका क्या बयान है और क्या कुछ अब तक घटित हुआ है, वो सबकी मांग ईडी ने भी कर ली है। तो फिलहाल अभी मेरे साथ इतना ही, आप बने रहिएगा अपने पर्वत जैन डिजिटल के साथ।